इंडिया चांद की ओर पहुंच गया, मैं हैरान रह गया कि ये यहाँ पे बेल और महंगाई की ये अपने लगे हुए हैं, ये कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते ही नहीं है ऊपर। मेरा नाम आमिर अली है जी। क्या करते हैं? मैं तो ओवरसीज छुट्टी आया हूँ पाकिस्तान आजकल। अभी अभी सैटेलाइट उतरी है इंडिया की चांद, इंडिया जो है चांद कैसे करते हो? हम कहाँ हैं, इंडिया कहाँ है? हम तो बहुत पीछे हैं, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। पर हालांकि होना चाहिए कि पाकिस्तान को कोई ऐसा मिशन करना चाहिए, कोई ऐसी सैटेलाइट तैयार करनी चाहिए या कोई ऐसे आलात तैयार हो जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान आगे जाए। और जो दुश्मन ममालिक है वो बहुत आगे जा रहा है और पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। बस अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या। सही है, आज मून चांद पे भी पहुंच गया उसकी सैटेलाइट भी है इंडिया के। सर अभी इसके बारे में हम क्या कहें, वो तो अगर हम कोई बात ऐसी करते हैं तो वो तो दुश्मन ममालिक है हमारा, तो इसमें हम अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर वो बहुत आगे जा रहा है क्योंकि उसमें माशाल्लाह वो अभी वो देखें, हम दुश्मन है एक चीज़ लगता है हमारी टेक्नोलॉजी आज की, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी बाहर वो एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत आगे हैं। मैं बाहर रहा हूँ दुबई में, उधर जो है हमारे साथ लड़के हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और पाकिस्तान ये भी पढ़े लिखे हुए हैं, पर इनको इतना मौका नहीं मिलता आगे जाने का। अगर कोई आगे आता है तो वो बस उसको दबा दबा के कोई उसका आगे पीछे कर देते हैं। कोई ऐसा बंदा आता है जो कहता है मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, पर उसको सपोर्ट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती। अगर सपोर्ट करे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है अगर किसी को कोई सपोर्ट करे। इतने लड़के, अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पर उसको आगे जो है गवर्नमेंट आगे इतना प्रमोट नहीं करती। नाम बताइए। हुमायूं खान। क्या करते हैं, क्या बिजनेस है? बस ट्रेवलिंग एजेंसी का बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड एयर टिकटिंग का। कैसे हालात हैं पाकिस्तान? बड़े बुरे हालात हैं जी, बिजनेस दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं, बस बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? आज इंडिया की सैटेलाइट अभी कुछ टाइम पहले चांद पहुंच रही है। हम जमीन पे स्टेबल नहीं है तो वो चांद पे पहुंच गई है, पहुंच चुके हैं, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ, बहुत मुश्किल है। तो जब तक मतलब स्टेबिलिटी जब तक नहीं आ सकती गवर्नमेंट की, तब तक हम आगे नहीं निकल सकते किसी सूरत। ये हुक्मरान मिलजुल के बैठेंगे तो तभी काम हो सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बसालत हसन। क्या क्या बिजनेस किया आप करके? मेरा ये गारमेंट्स का बिजनेस है। अच्छा, मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं? मुल्की हालात सर जी इस टाइम जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मईशत बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि कारोबार नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन, ऊपर से रेंट्स वगैरह ये चीज़ें मामला एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं जिसकी वजह से काम कारोबार नहीं है। अच्छा, अब ये हालात कैसे सही होंगे, मतलब आप मुल्की हालात कैसे होंगे? आज अभी कुछ देर पहले इंडिया की सैटेलाइट उतरी है मून के ऊपर, चांद के ऊपर, मतलब वो चांद के ऊपर पहुंच गए। सर हम 100 साल पीछे हैं, आज से 100 साल बाद हमारा मून के ऊपर जाके कोई सैटेलाइट, वो भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह ये है कि हमारे जो हुकूमत है वो आपस में ही लड़ रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ताना बाना हो रहा है। एक कह रही है इसने चोरी की है, दूसरा कह रही है इसने, अवाम को रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा। आप समझते हो कि सर उनकी सैटेलाइट पहुंच गई, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान में सर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास। कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है उसके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जो आज से चाइना हमारे पास जो है वो कितना आगे चला गया, चाइना के प्लेयर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स किधर पहुंचे हुए हैं? इधर से उनको कोई आउटडोर गेम्स करने के लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, और जो हमारी गवर्नमेंट देती नहीं है, और उसको वो बेयर ही उसका एक वन वे टिकट नहीं बेयर कर सकती ये चीज़। इंडिया क्यों इतना आगे जा रहा है? क्यों? इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है सर, इंडिया में इस टाइम डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं, वो अपने आईटी की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है उस चीज़ को। इंडिया क्यों इतनी तरक्की कर रहा है? इंडिया तरक्की इस वजह से कर रहा है उधर सर, आईटी में इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, इतना आगे कि उस उधर फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं सर, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड किए गई हैं, वो बाहर से डॉलर उनके पास आ रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, जिस टाइम वो काम कर रहे हैं अमेजोन इस टाइम देख लें, कोई भी स्टोर उठा लें, हमारा इधर छोटा सा दराज चल रहा है, बस शॉपिफाई चल रहा है आजकल,
और उस चीज़ में हमें आईटी में बहुत पीछे हैं इस टाइम। बेशक ये प्रोग्राम्स वगैरह गवर्नमेंट्स करवा रही है, लेकिन उसका एक बेनिफिट कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म होता है ना प्रॉपर। अब ये एक शॉप है, ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई बंदा कस्टमर आएगा तो वो इधर से कुछ चीज़ लेगा। अब एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, अब भाई रोड पे बंदा चला जाए, उसके पास प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना सर। तो जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो किधर से फ्रीलांसर्स काम करेंगे? इंटरनेट की फैसिलिटीज़ देख लें आप, उनका इंटरनेट देख लें और हमारा इंटरनेट देख लें। PTCL की वही केबल्स और वही चीज़, और वो लोग फाइबर और 5G तक पहुँच गए, हम लोग किधर बैठे हुए हैं? तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे? बात तो ये है ना। बोलना शुरू करें। मेरा नाम जैन है और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। आगे अच्छा, क्या सर मुल्की हालात तो आपके सामने, आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है। आईटी स्टूडेंट देखें, जैसे आप इंडिया को ले लें, इंडिया हमारे से कितना आगे है आईटी में, जिस तरह उन्होंने कितनी तरक्की की है आईटी में, और उनकी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट भी करती है, बजट भी रखती है उनके लिए, और हमारे पाकिस्तान वाले हैं कि हमारे लिए बजट नहीं रखते, हमारी सपोर्ट नहीं करते। मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी इस तरह की नहीं है जिसमें हम काम कर सकें, और स्टडी लेवल भी इतना नहीं है। और आईटी का आप देखें, इंडिया का देखें आप, इंडिया कितना ऊपर चला गया है आईटी में पाकिस्तान से। अभी सैटेलाइट उतरी है चांद के ऊपर, इंडिया उतर सकती है ना, इंडिया वाले कितना पाकिस्तान से आगे पहुंच गए हैं। पाकिस्तान देखें उधर का उधर ही है, पाकिस्तान की सैटेलाइट भी चांद पर पहुंच सकती है, लेकिन नहीं। पाकिस्तान जो है आपस में, पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं है। इंडियन मिल के काम करते हैं, उनकी सैटेलाइट भी पहुँच सकती है और पहुँच गई है, और वो कामयाब भी हैं।